सुप्रभात सभी को, नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज फ्राइडे है, एफिशिएंसी क्लास, और हमारे साथ प्रियल सुंदर डेमो के लिए। तो आइए आज की एफिशिएंसी क्लास की शुरुआत करते हैं सुंदर सूक्ष्म क्रियाओं से प्रियल के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल ना उठें, अंदर की ओर खींचें, अपनी क्षमता के हिसाब से आगे पीछे करते जाएं। पांव की मांसपेशियां विशेष प्रभाव में आती हैं, रक्त का संचार पूरे शरीर में अच्छे से होने लगता है। गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ, धीरे धीरे, पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें, लेकिन सर्कल बड़े से बड़ा बने। दूसरी ओर से भी करेंगे, सभी करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। बहुत ही प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, सुबह की अमृत वेला। अब दोनों पांव को खोलेंगे आधा से एक फीट, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर, फिर बाहर की ओर करेंगे, पुनः एक बार अंदर, इस प्रकार करते जाएं। करेंगे जी, करेंगे, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, हर बार कोशिश करें जब बाहर खुलें छोटी उंगली आसन को छुए, जब अंदर पांव के पंजे आएं तो दोनों अंगूठे एक साथ आसन को छुएं। धीरे धीरे वापस आएंगे, अब पांव को खोलेंगे बंद करेंगे, एक बार दाएं पांव की एड़ी हिप से लगे, फिर एक बार लेफ्ट पांव की एड़ी हिप से लगे, हाथों का पीछे सहारा ले लें। सभी करेंगे जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। अब दोनों पांव को एक साथ करेंगे, थोड़ा पीछे सहारा लेकर पंजे तानकर खींचें अपनी ओर। जो हवा में ही रख सकें हवा में रख करके ही खींचें, देखें, अदरवाइज नीचे करके करें। बहुत बढ़िया, वापस हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके रीढ़ को, गर्दन को सीधा करके घुटनों को ऊपर नीचे करें। आंखें बंद कर लें और ऐसा महसूस करें तितली की भांति इस सुंदर मौसम में पूरी मस्ती करते हुए, पूरा आनंद लेते हुए। लेकिन एड़ी आपकी लगातार निकट रहे, थोड़ा सा कंफर्ट से आगे बढ़िए। प्रयास जरूर करेंगी एड़ी आगे जाने की, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं सुनना, बिल्कुल उसको आगे नहीं जाने देना। और घुटनों को भी कोशिश कीजिए कि आपके आसन के निकट पहुँचें।
थोड़ा थोड़ा प्रयास बहुत बड़ी बढ़िया कामयाबी लेकर आएगा। हर आसन आपके बढ़िया बनेंगे, करेंगे करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी ये क्रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार दोनों घुटनों का प्रेशर नीचे की ओर करके रुक जाएं। एड़ी का प्रेशर अपनी ओर, घुटने का प्रेशर पृथ्वी की ओर। रीढ़ गर्दन सीधी, बिना तनाव के रुकें। बहुत बढ़िया। हाथों का सहारा ले सकते हैं घुटनों को दबाने में। गर्दन सीधी, धीरे धीरे आएंगे वापस। पांव को खोल दें, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। पद्मासन लगाएंगे, पहले दाईं टांग मोड़ें फिर बाईं टांग मोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आँखें कोमलता से बंद कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। अपने भाग्य को सराहें। अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम करें, जिनकी बदौलत, जिनके दिए हुए संस्कारों से हम सुबह सवेरे योग से जुड़ पा रहे हैं। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। श्रद्धा के साथ 2:1 के अनुपात में पूरे परिवार के साथ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। भरिए गहरा लंबा श्वास। सवितुर्वारेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक वह ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कितनी सुंदर स्थिति देखिए, रियल की। इसी प्रकार आप बिल्कुल स्थिर भाव से बड़ी सहजता के साथ हर एक क्रिया का अभ्यास करेंगे, पूरे मन से करेंगे। बंद आँखों में पद्मासन खोलेंगे, पाँव को सीधा कर दें और थोड़ा सा विश्राम दे दें पंजों को। अपनी सुविधा के हिसाब से थोड़ा हिला लें। और अब बिना आसन का सहारा लिए खड़े हो जाएंगे, बिना हाथों का सहारा लिए। एक बार बैठ जाएंगे,
फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से बैठेंगे, फिर से खड़े होंगे, एक बार अंतिम बार बैठेंगे फिर से, और फिर से खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। ये खड़े हो बैठने की क्रिया आप बिना सहारा लिए जब भी आप पूरा दिन में संभव हो करें, खुद को बड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि देखिए बिना सहारा लिए हम कितनी आराम से उठ पाते हैं। आज एफिशिएंसी क्लास है, कुछ ही आसनों का हम अभ्यास करते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 मिनट और थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं खड़े होने की कुछ क्रियाओं का। थोड़ा शरीर में ऊर्जा लेकर आते हैं, गर्मी लेकर आते हैं। पाँव में सुविधाजनक दूरी, दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, 5 उंगलियों को खोलें और शक्ति लगाते हुए मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आएंगे, कोहनी पीछे जाएगी, श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी। शुरू करें जी। करिए करिए करिए। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, अधिक से अधिक भुजाओं को ऊपर लेके जाना, 5 उंगलियां खोल के जब नीचे आए मुट्ठी बंद और कोहनी पीछे की ओर जाए। वापस हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथों को सामने की ओर करें, जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं इस प्रकार से सामने की ओर ताने, कोहनियां बिल्कुल सीधी, उंगली अंगूठे मिले हुए। अब नीचे की ओर करें इसी क्रिया को, कलाई का उपयोग बस, फिर ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर नीचे। अब बाहर की ओर करें, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। अब दोनों हाथों की 5 उंगलियां कंधों पर रखें और कोहनियों को घुमाएंगे गोल गोल। जब आगे आए तो आपकी कोहनियां आपस में टच अवश्य हों, फिर ऊपर लेके जाएं तो कोहनियां आकाश की ओर हों। जितना बड़ा घेरा बनेगा कंधों में उतना अधिक प्रभाव आएगा, लेकिन पूरी क्रिया के दौरान आपकी उंगलियां कंधों से अलग ना हो, 5 उंगलियां आपस में टच करती रहें और कंधे के ऊपर लगातार चिपकी रहें। विपरीत दिशा में करेंगे। वेरी गुड। लगातार खुश होकर करें, देखिए कितना मौसम बढ़िया होता जा रहा है। सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, अब पक्षियों की मधुर चिरपिंग बहुत सुकून देती है और सब मिलकर हम प्रकृति के साथ इतना सुंदर योगाभ्यास कर रहे हैं। बार बार अपने भाग्य को सराहें, बार बार ईश्वर को धन्यवाद करें। वापस हल्का विश्राम ले लें, सामने राइट पांव को उठाकर पंजे को घुमाएं, थोड़ा घुटने को सीधा रखकर घुमाइए, बैलेंस बनेगा आपका, बॉडी पर नियंत्रण आएगा आपको। करिए जी करिए। विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए जी वापस आ जाएं और यही क्रिया एक बार लेफ्ट पांव से करें। पंजा तानेंगे, घुटना सीधा रहेगा, घुटना सीधा रखना ही है, एक पांव पर बैलेंस बनेगा। विपरीत दिशा से करें। ये जितनी भी क्रियाएं आपको करवाई हैं, जो शुरू में हम 10 से 15 मिनट करवाते हैं, ये सारी क्रियाएं आप एक बार, दो बार, तीन बार बाद में भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, एफिशिएंसी क्लास के लिए खड़े होने में पहला आसन आज हम जो करेंगे उसका अभ्यास आपने पहले भी किया हुआ है, बीच बीच में करते रहते हैं, त्रिकोण आसन। बहुत ही शानदार इसका प्रभाव आएगा,
आपकी पसलियों पर, आपके लीवर पर, पैनक्रियाज पर, कंधों पर, पांव की मांसपेशियों पर। तो आइए इसका अभ्यास करें। दोनों पांव में कंधों से ज़्यादा फासला होगा जी, दो तरह से होता है ये। तो आज हम आपको दोनों तरह का ये आसन करवाएंगे। पहले जो हम त्रिकोण आसन भाग वन जो हम ट्रेडिशनली स्टार्टिंग से ही करवा रहे हैं, पहले उसका अभ्यास करेंगे। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, देखिए पहले आसन में दोनों पंजे जो है, अब ये बिल्कुल सीधे हैं जैसे हम खड़े होते हैं। कई बार क्या करते हैं, ये पंजे हम बाहर की ओर खोल देते हैं, तो बाहर की ओर नहीं खोलना। आप ये पंजे देखिए, बिल्कुल देखिए सीध में है। पहले इसमें ऐसे ही रखने, आपने बिल्कुल ऐसे ही रखने हैं। थोड़ा सा कई बार ऐसे टिल्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं करना जी, ऐसे नहीं करना। देखिए ऐसे आपने ये रखने हैं पंजे, कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने की है, शरीर आपका सीधा है, घुटनों में ढीलापन नहीं आएगा। अब दोनों हाथ आपके जो है शरीर के साथ, पाँचों उंगलियाँ मिली हों, इसके अंदर भी आपकी पाँचों उंगलियाँ मिली रहेंगी, अंगूठा भी मिला रहेगा, उंगली भी शरीर के साथ, गर्दन भी सीधी है। अब आपने इसको राइट हैंड को हथेली का रुख ऊपर करिए, पहले देखिए घुमा करके, और कलाई को सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाइए। ये देखिए, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पर कलाई को बिल्कुल सीधा करना है। ये देखिए ऊपर कलाई सीधी है। यहाँ पर गलती करते हैं कि कलाई को ढीला छोड़ देते हैं, कोहनी को हम ढीला छोड़ देते हैं। भुजा कान के साथ है, गर्दन को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ पर दूसरा हाथ अभी शरीर के साथ ही आपका लगातार, और यहाँ पर आपने गहरा लंबा श्वास भरना है, शरीर को लंबाई देनी है। पहले एक बार खींचना है शरीर को ऊपर, और फिर उसके बाद बगल से झुकना है धीरे धीरे। हाथ की स्थिति तो वही है, हाथ को नहीं लाना आपने, बगल से अपने झुकना है। जो बाईं भुजा है वो सरकती हुई नीचे जाएगी, ये देखिए। और ये देखिए बिल्कुल पैरेलल आ गया आपकी, आपका हाथ बिना आगे झुके हुए। अगर आगे झुक रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर आगे झुक रहा है, आपने वहीं रुक जाना है, ज़्यादा झुकने का प्रयास नहीं करना। एक बार धीरे धीरे वापस आएँ, खींचिए एक बार भुजा को फिर से ऊपर, और फिर से इसी भुजा से फिर से झुकिए, बिना रुके दो से तीन बार क्रिया करें ये। वेरी गुड, करेंगे करेंगे करेंगे। अब पाँव का घुटना नहीं मुड़ेगा जी, किसी भी पाँव का। वेरी गुड, तानेंगे ऊपर भुजा को, और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे। जब स्टार्टिंग में नीचे ले आएंगे तानते हुए, जब स्टार्टिंग में करते हैं तो बिना रुके हुए करिए, दो बार तीन बार करिए। थोड़ा वार्म अप की तरह इस क्रिया को करिए। इसी क्रिया को अब करेंगे लेफ्ट हैंड से, तानते हुए बाईं भुजा लेकर जाएं सीधा। वेरी गुड। अब देखिए बिल्कुल, आप देखिए कितनी बढ़िया आपके सामने स्थिति बनी हुई है प्रियल की। भरी एक बार गहरा लंबा श्वास, और बगल से राइट साइड में झुकें। कई बार ऐसा होता है कि एक साइड में झुकने में हमारे को लगता है कि मुश्किल है, और दूसरी साइड में हमारे को बड़ा आसान लगता है, ज़्यादा हो जाता है। सबके साथ होता है ये, तो ऐसा नहीं सोचना कि उधर कोई प्रॉब्लम है। अब हमारा जैसे राइट हैंड से बार बार काम करते हैं तो अभ्यास उसका बढ़िया हो जाता है, तो उससे लिखने का, काम करने का, पकड़ का धीरे धीरे वापस आएंगे, और दो तीन बार इसी क्रिया को दोहराएंगे। बहुत बढ़िया जी, देखिए बगल से करना है, हाथ को पैरेलल रखना है जी पृथ्वी के। करेंगे करेंगे करेंगे। वेरी गुड, ध्यान आपका बगल में जो खिंचाव आ रहा है उस पर होना चाहिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, और तानते हुए भुजा को एक बार नीचे ले लेंगे। हल्का सा विश्राम ले सकते हैं, थोड़ा सा पाँव में भी विश्राम ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। सामान्य श्वास, विश्राम के वक्त तो आँखें अवश्य बंद रखनी है, और जब समझ में आ जाए आपको आसन के बारे में, तब भी आप आँख बंद करके करेंगे तो पूरी तरह जुड़ पाएंगे आप आसन के साथ, उसके प्रभाव को आप महसूस कर पाएंगे। तो अभी आपने ये चीज़ समझ में आई आपको कैसे। अब कई बार क्या होता है, जैसे हाथ आपके ठीक नहीं होते कलाई, तो उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। जैसे ये क्रिया जो है, इस टाइप की जो क्रिया है, ये आप पूरा दिन आपने करनी है। इससे क्या होगा, जब आप आसन करते हैं तो पूरा हाथ खिंचा रहेगा आपका अच्छे से,
नहीं तो उसमें थोड़ा थोड़ा ढीलापन रहता है कोहनी के अंदर, इसलिए सूक्ष्म क्रियाएं आपको बार बार बोलते हैं हम लोग कि सूक्ष्म क्रियाओं का बड़ा महत्व है। तो ये जो छोटी छोटी क्रिया है जैसे उंगलियों को खोलने की बंद करने की, इसको आपने जो है पूरा दिन में 2 बार 3 बार 4 बार करिए। एक जैसे क्रिया है, इसी क्रिया को आपको ईजी करेगा कि कंधे को इस प्रकार से हाथ को घुमा लीजिए। आप सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कंधे में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन आएगा। जब वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी वो आपके आसन में नज़र आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है, दोनों तरफ से करेंगे, दूसरी ओर से भी किसी भी समय कर सकते हैं आप ये छोटी क्रियाएं खड़े होकर। कई बार हम किसी का वेट कर रहे हैं और वेट करते हुए हमारे को पता है 2 मिनट लगेगी 5 मिनट लगेगी, तो आप अपने हाथों को खोल लीजिए, बंद कर लीजिए, घुमा लीजिए, पाँव के घुटने मोड़ लीजिए, इस टाइप की क्रिया कर सकते हैं जी। चलिए जी वापस आए, हल्का विश्राम, रिलैक्स। अब इसी आसन को एक बार रोक कर करेंगे, फिर से करेंगे। अभी हमने रोक के नहीं किया था और बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। चलिए जी पाँव को खोल लीजिए अपनी क्षमता के हिसाब से, पंजे आपके सीधे सामने की ओर, दोनों हाथ शरीर के साथ। और अब श्वास भरते हुए हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए ले चलें धीरे धीरे, भुजा को कान के साथ। यहाँ पर आपने रुकना है, एक बार यहाँ पर आपने रुकना है और दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचना है, ऊपर वाली भुजा को ऊपर, नीचे वाली भुजा को नीचे, श्वास को भरकर करना है ये काम। और फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए बहुत सहजता के साथ बगल से झुकना है। कलाई आपकी सीधी रहेगी जी, कलाई को कई बार हम सोचते हैं कि मोड़ करके और चलो जी मेरा हाथ नीचे पहुंच गया, ऐसा मत सोचिए आप। बगल में प्रभाव आएगा, इसका जो प्रभाव आएगा आपका राइट साइड में टखने से लेकर के और पूरे राइट साइड में घुटने के पास से पांव पर, थाई पर, पसलियों पर, फिर उसके बाद कंधे के पास, फिर उसके बाद भुजा के ऊपर। अब यहाँ पर सहजता से रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। अगर आपको लगे तनाव आ रहा है तो उससे पहले ही वापस आ जाएं, लेकिन आप ईश्वर का ध्यान करें कि रुक सकते हैं आप। लीवर आपका बहुत ही बढ़िया से प्रभाव में है इस वक्त, उसकी खुशी को देखिए, कितना महत्वपूर्ण हमारा ऑर्गन है ये। बायां हाथ भी सरकते हुए देखिए नीचे की ओर, टखने के पास पहुंच गया है। कोशिश करेंगे कि हाथ को हम ज़्यादा लटकाएंगे नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। और अब धीरे धीरे आएंगे वापस, वापसी में कभी भी झटका नहीं देंगे, बहुत आराम से। एक बार रुकेंगे, फिर से भरेंगे गहरा लंबा श्वास, खींचेंगे एक बार भुजा को और श्वास छोड़ते हुए अब हथेली का रुख नीचे करके और तानते हुए वापस आएंगे, जब तक हथेली हमारे शरीर को टच ना करे। हल्का सा इसी स्थिति में, पाँव को नहीं लाना भी, लेकिन हल्का सा विश्राम। अभी हमने एक तरफ से किया, अब इसी क्रिया को हम करेंगे दूसरी तरफ से। मन मनाएं कि बहुत अच्छा हुआ, पिछली बार से बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई, और बाईं ओर से तो अब दूसरी ओर से और अच्छा करेंगे। स्थिति लें और मुस्कुराते हुए बाईं भुजा तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, खींचिए एक बार, वेरी गुड। यहाँ पर खींचना बहुत ज़रूरी है और श्वास को भरना बहुत ज़रूरी है। श्वास भरेंगे आप यहाँ पर और फिर श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे झुकेंगे। ये आपको पता है कि आपका शरीर आगे अगर टिल्ट हो रहा है, कंधे अगर आगे झुक रहे हैं, तो आपने वहीं रुकना है। आगे झुकना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब ज़्यादा झुकना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना स्थिति को सही बना के रखना महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया, घुटने सीधे रहेंगे पूरी क्रिया में। जहाँ भी आपको लगे तनाव आ रहा है वहीं पर आपने रुकना है जी, उससे आगे नहीं बढ़ना, पहले अपने आप को वहाँ तक कंफर्ट पहुँचाना है।
वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करें भुजा ज़्यादा नीचे ना जाए, पृथ्वी के पैरेलल रहे। आँख बंद करके देखिए अपने लेफ्ट साइड में, पैनक्रियाज साइड से जो पसलियाँ हैं उसके ऊपर कितना अच्छा प्रभाव आ रहा है, थाई के ऊपर खिंचाव आ रहा है बगल से, कंधे के ऊपर कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, पांव की मांसपेशियों पर प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे, श्वास भरते हुए वापस पुनः एक बार खिंचाव देंगे, लंबाई देंगे ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, पांव में दूरी कम, सामान्य श्वास, थोड़ा सा अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्ट लगे विश्राम दे लें। हाथों को रिलैक्स कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, मुट्ठी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे बिल्कुल। और जब विश्राम लेते हैं ईश्वर का ध्यान करें कि आपकी कृपा से देखिए इतना बढ़िया हम आसन कर पाए, रुक पाए, अगली क्रिया और बढ़िया करेंगे प्रभु। चलिए जी, इसी का पार्ट टू करेंगे, थोड़ा सा फर्क है उसके अंदर, त्रिकोण आसन भाग टू। अभी आपने भाग वन किया है तो भाग टू भी आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रिय हमारे साथ देखिए कितनी सुंदर साधना आपको करके दिखा रही है, कहीं समझ में ना आए तो ज़रूर देखें। फिर से पाँव में दूरी ज़्यादा बनाएं। अब की बार आपने दोनों हाथों को 180 डिग्री पर कंधे की सीध में आपने ले जाना है, कंधे की सीध में, ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। अब इसमें फ़र्क बस इतना है पाँव वैसे है। अब इसमें एक स्थिति चेंज करनी है, जिधर हमने पहले मुड़ेंगे राइट साइड में मुड़ेंगे पहले हम, तो राइट साइड का पंजा आप घुमा दीजिए बाहर की ओर, लेफ्ट साइड का पंजा वहीं रहेगा। देखिए फ़र्क देखिए आप इसके अंदर और पहले वाले में, पहले वाले में शरीर भुजाएं जो थी वो शरीर के साथ थी, दूरी पाँव में कम कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो, लेकिन घुटने इसमें भी सीधे रहेंगे पूरी क्रिया में, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, जो भुजा की स्थिति आपकी 180 डिग्री की, पूरी क्रिया के दौरान भुजाओं की स्थिति 180 डिग्री की रहेगी, ऐसे ही रहेगी बिल्कुल, जैसे कि कोई आपने एक होता है कोई लंबा जो है कोई डंडा हो और उसको हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, और उसी डंडे के हिसाब से जैसे बिल्कुल सीधा रखना है हमने भुजा को। अब आपने श्वास भरना है पहले पिछली बार की तरह, और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकना है धीरे धीरे। भुजाओं की स्थिति देखिए ऐसे ही है, बगल से झुकेंगे, देखिए वेरी गुड बेटा, देखिए भुजाओं की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी है 180 डिग्री पर, और इसमें गर्दन भी आपकी घूम जाएगी, किस तरफ घूमेगी, लेफ्ट साइड में, जो आपकी हथेली है ऊपर वाली हथेली का रुख सामने की ओर करेंगे, और ऐसे अपनी मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करेंगे, जो बीच वाली उंगली है उसको देखने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए अब ये देखिए बिल्कुल हाथ की स्थिति, अगर आपने देखा होगा जब प्रियल खड़ी हुई थी जैसे आपका 180 डिग्री था, अब भी बिल्कुल वैसे के वैसे 180 डिग्री पर भुजाएं हैं। जिनके हाथ नीचे पहुंच सकते हों जैसे प्रियल के पहुंच गए, तो वो अपनी हथेली को कलाई को मोड़ करके पंजे पर रखना चाहें, आसन पर रखना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे, और जिनके हाथ नहीं पहुँचते उनकी कलाई सीधी रहेगी, ऊपर वाले हाथ की कलाई सीधी है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, गर्दन आपकी मुड़ेगी लेफ्ट साइड में, वेरी गुड वेरी गुड। आँख बंद करके देखिए कहाँ प्रभाव आ रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, भुजाओं की स्थिति वैसे ही रहेगी, पंजे को भी सीधा कर दें, अब जो पाँव मोड़ा था हमने पंजे को उसको सीधा कर दिया, फिर से देखिए स्थिति वैसी है। अब लेफ्ट पंजे को मोड़ेंगे, बाएं पंजे को बाहर की ओर, वेरी गुड। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए बगल से लेफ्ट साइड में झुकेंगे, लेफ्ट साइड में झुकेंगे जी। देखिए वैसे ही 180 डिग्री पर भुजा है, गर्दन को घुमाना है जी अब राइट साइड में, ऊपर आपने हथेली को देखने का प्रयास करना है, मध्यमा उंगली को, और महसूस करना है कि कहाँ पर असर आ रहा है,
कौन सा अंग विशेष प्रभाव में है? मुस्कुराइए, मुस्कुराते हुए रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड प्रियल बेटा, बहुत अच्छा, इतना सुंदर प्रदर्शन। रुकिए रुकिए रुकिए, अब इसको आपने क्षमता को अपने धीरे धीरे बढ़ाना है और लेके जाना है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक। कलाई ढीली नहीं पड़ेगी जी, खींचिए खींचिए भुजा को, बिल्कुल सीधी। श्वास छोड़ते भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः भुजा एक बार तानेंगे 180 डिग्री पर, पंजे को सीधा करेंगे और तानते हुए दोनों भुजाएं एक सिमिट्री में शरीर के साथ लगेंगे। पांव में दूरी कम होगी। अब आप अपने शरीर को ढीलापन देंगे, विश्राम देंगे, आसन के ऊपर बैठ जाएंगे, बैठ करके विश्राम। ये हमने त्रिकोण आसन का अभ्यास किया। त्रिकोण आसन बहुत ही बढ़िया आपके पेट के लिए, विशेषकर लीवर और पैनक्रियाज के लिए। आँख बंद करके थोड़ा विश्राम दें, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं, हाथों का पीछे स्टैंड बनाकर सहारा ले लें। जब हम मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से बढ़िया से आसन करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है बाद में, जब उसको विश्राम ले रहे होते हैं, सब आसन कर रहे होते हैं। तो आपने तो बहुत ही बढ़िया से एफिशिएंसी क्लास की आज त्रिकोण आसन की। चलिए जी, एक दूसरा आसन करेंगे और इस आसन का नाम है कमर चक्र आसन। पहले इसकी सहायक क्रियाएं करेंगे और फिर इसके बाद इसकी पूर्ण क्रिया करेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो आगे झुकने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। पुनः इसके अंदर पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल लें जी, खोलिए जी पाँव को, जितने ज़्यादा पाँव को खोल सकते हैं खोल लीजिए, वेरी गुड। अब इसमें देखिए, एड़ी आपकी सीधी रहेगी और पंजे आपके तने रहेंगे। कई बार क्या होता है, हम साइड में झुका देते हैं, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल देखिए। अब ऐसे आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपकी एड़ी की स्थिति, पंजे की स्थिति रहेगी। ये देखिए, मैं पास से आपको दिखा रहा हूँ, ना आपकी लेफ्ट साइड में लटकेगी और ना राइट साइड में। और अब आपने पहले इसकी सहायक क्रिया करते हैं, दोनों भुजाओं को सामने लेकर आएँ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। अब ये सहायक क्रिया करने से आपका आसन बढ़िया बनेगा। अब हाथ जो है देखिए लटकेंगे नहीं, बिल्कुल कंधे की सीध में, ये देखिए, बिल्कुल वेरी गुड। ऐसे ही आपने स्थिति रखनी है, और जितनी चौड़ाई है इतनी चौड़ाई रखनी है। अब हम इसको जैसे मैं बोलूँगा, हाथ की चौड़ाई कम ज़्यादा नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना है, कोहनी नहीं मुड़ेगी। श्वास भरते हुए राइट साइड में गर्दन सहित घूमें, हाथ की चौड़ाई उतनी रहेगी, जहाँ भी आपकी चौड़ाई कम ज़्यादा हो वहीं रुक जाएं, पंजे तने रहेंगे। मध्य में आएंगे, लेफ्ट साइड में, वेरी गुड। पाँव के देखिए पंजे तने हुए, मध्य में आए, राइट साइड में, मध्य में आए, लेफ्ट साइड, वेरी गुड। अब शब्दों पर चलेंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। कुछ साधकों की भुजाओं का गैप ज़्यादा हो रहा है जी, बिल्कुल समान बनाए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, घुटने मत उठने दे जी, पंजे ताने, राइट, लेफ्ट, हाथ लटकेंगे नहीं जी, कंधे की सीध में, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सामने तानेंगे और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें, हाथों का स्टैंड बना लें, पंजों को भी इसी स्थिति में थोड़ा ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। प्रभाव को देखिए, अब इस क्रिया के करने से आपके कंधे प्रभाव में आए, तो जब हम आगे झुकेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी क्रिया को करने में।
अब पुनः हर एक आसन एक दूसरे आसन से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य नमस्कार आप करते हैं, तीसरी स्थिति अगर आपकी बढ़िया बनती है तो ये आसन बढ़िया बनेगा। जानु सिर आसन करते हैं, अगर उसमें आपका माथा लगता है तो ये आसन आपका बढ़िया बनेगा। तो हर आसन दूसरे आसनों को बढ़िया बनाता है, इसलिए आपने सारे आसन बढ़िया करने हैं जी, पूरे मन से करने हैं। इसी की एक दूसरी सहायक क्रिया, फिर से एक बार पांव की स्थिति लें, पंजों को ताने, दोनों हाथ फिर से सामने, कंधे की सीध में। अब आपने धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है, कमर से झुकना है, धीरे धीरे झुकिए। हाथों की स्थिति ऐसी रहेगी, झुकिए जैसे कोई पीछे से आपकी कमर को दबा रहा हो। करिए करिए करिए, अब धीरे धीरे पीछे की ओर जाइए। इसी अवस्था में थोड़ा पीछे झुकिए, बहुत बढ़िया बेटा। घुटने दबा के रखें जी, पंजे तान के रखें, फिर से आएंगे मध्य में और आगे की ओर झुकें। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे जी। कहीं पर अगर किसी को स्ट्रेस लग रहा हो, कहीं पर कोई मुश्किल लग रही हो, उस क्रिया को ना करें। कलाई सीधी जी, कलाई सीधी, बहुत बढ़िया बेटा। फिर से पीछे की ओर जाएं, फिर से आगे की ओर आएं। तो ये जो क्रिया है ये भी आप 5 से 7 बार करें। अब समय के अभाव में हम कई बार नहीं करवा पाते, डायरेक्ट पूर्ण आसन करवा देते हैं, लेकिन आपको पता हो कि आपका आसन बढ़िया नहीं हो रहा तो आपने ये क्रियाएं करनी है अपने अलग से। धीरे धीरे वापस आएंगे, विश्राम ले लेंगे, रिलैक्स। विश्राम के वक्त अपने पांव को दूरी भी कम कर सकते हैं अगर चाहें तो, या वहीं पर अपने पांव को पंजों को ढीला छोड़ सकते हैं। कमर चक्र आसन भी आपके पेट को कम करने के लिए बहुत बढ़िया है। साइटिका नाड़ी को ठीक करने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। चलिए जी, अब फिर से करते हैं इसका अभ्यास। फिर से एक बार स्थिति लें, पांव को अधिक से अधिक खोलें। एक बार आपको ध्यान हो, पिछली बार जब हमने करवाया था इसको और बढ़िया, जैसे पांव कई बार नहीं खुलते कुछ साधकों के, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने घर पर जैसे पलंग के सहारा लेकर के और थोड़ा सा खोलने का प्रयास कर सकते हैं, या परिवार के किसी अन्य सदस्य को आप बोल करके और वो भी आपकी इसी तरह से बैठ जाए और दोनों एक दूसरे के पंजे को दबाएं, हाथ को पकड़ करके आगे की ओर झुकना, फिर पीछे की ओर झुकना। इस प्रकार करेंगे तो दोनों को फायदा होगा। तो आप लोग इसका भी अभ्यास कर सकते हैं, अच्छा भी लगेगा और आपका अभ्यास बढ़िया हो जाएगा। चलिए जी, फिर से मन बनाएं, दोनों भुजाओं को एक बार, हथेलियों को घुटनों से आगे टखने के पास थोड़ा रखें, पांव के पास जहाँ पे रखना है, पंजे तने हुए, एड़ी खड़ी हुई। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड आपका लेफ्ट पंजे से आगे जाएगा, पंजे को पकड़ना नहीं है जी, आपने पंजे से आगे जाएगा और लेफ्ट हैंड आपका पीछे जाएगा। और इस प्रकार से आपने कमर से झुकना है, कमर का उपयोग ज़्यादा है इसमें, कमर चक्र आसन है ये। अब यही क्रिया दूसरी ओर करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे जी, दूसरी ओर से, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, करते जाइए जी। अब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, बस ध्यान आपने एक ये रखना है कि देखिए आपके घुटने जो है ना वो उठने नहीं चाहिए, घुटने के नीचे गैप नहीं बनना चाहिए, पंजे आपके ढीले ना पड़े, और कमर का उपयोग ज़्यादा करना है आपने, कमर का उपयोग करना है, निचले भाग से उपयोग करना है आपने कमर का। अब इसको श्वासों के साथ जोड़िए जी क्रिया को। जब आप वापस आते हैं तो श्वास भरते हुए आना है, जब आगे झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हुए झुकना है। पूर्ण स्थिति में इस आसन के दौरान आपके जो माथा है वो आपका घुटने से आगे पांव को छू जाता है, कलाई जो है वो पंजे से आगे निकल जाती है। थोड़ा आपने अभ्यास करना है, धीरे धीरे अभ्यास। चलिए जी, वापस आएंगे, हल्का सा पांव में दूरी कम और विश्राम लेंगे।
मुस्कुराते हुए सामान्य श्वास में। अभी एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, जबकि मैंने तो अभी सूक्ष्म क्रियाएं भी नहीं की, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। सूक्ष्म क्रियाएं करके थोड़ा और अच्छा अभ्यास हो जाता है वार्म अप करके, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपका ये देखिए किस प्रकार से आपने पांव को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया, पंजे आपके तने हुए हैं। पहले आपने वो क्रिया कर ली, जैसे आपने ये किया, इसके अंदर आपने देखा कि इसको ज़्यादा इधर नहीं करना, ज़्यादा करते ही फिर हाथ ऐसे हो जाता है। अब हम इसको करेंगे, तो जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे, शुरू में हो सकता है माथा नहीं लगेगा, लेकिन एक बार स्पीड बन जाती है फिर लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप झुकेंगे इस प्रकार से, ये देखिए पांव ये उठेगा नहीं यहाँ से, फिर दूसरी ओर से, ठुड्डी भी लगा सकते हैं आप अगर आप और ज्यादा झुक सकते हैं तो, और ज्यादा कलाई अगर आगे जा सकती है तो। ये देखिए ये कलाई जो है ये यहां तक जानी चाहिए, पंजे से आगे। तो ऐसे आपने करना है। एक बार फिर से करेंगे आप अभ्यास प्रियल के साथ, स्थिति लेंगे, फिर से दोनों पाँव को खोलेंगे अधिक से अधिक और पंजे को तान करके शुरू करेंगे जी। पिछली बार से और कोशिश करें, झटका नहीं देना। आपने ये नहीं सोचना कि उसका अच्छा हो रहा है तो मेरा आज ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपने सही तरीके से करना है। घुटने के नीचे गैप नहीं आएगा, पहली बात तो आपने ये करनी है। कलाई को भी कोशिश करना है कि सीधा रखते हुए आगे लेके जाना है। पांव के अंगूठे को पकड़ना नहीं है आपने, उससे आगे अपनी उंगलियों को पहुंचाना है आपने। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए माथा जो है, अब इससे क्या होगा, बगल से जो आपके पेट के दबने से बहुत अच्छा इसका असर आएगा। सबसे ज़्यादा उपयोग कमर का ही होना है जी, कमर चक्र आसन है। हम सोचते हैं कि हाथ काम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि गर्दन काम कर रही है, लेकिन कमर का निचला हिस्सा अगर आपका लचीला होगा तभी आसन ये बढ़िया बनेगा। बहुत अच्छा बेटा, धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं। पाँव में दूरी कम, दोनों हाथ रखें राइट साइड में, एक साथ पांव को बाईं ओर से घुमाकर वज्रासन में आ जाएं। एफिशिएंसी क्लास का मतलब ही ये होता है कि हम किसी आसन को थोड़ा डीप में उसको डिस्कस करें और उसको कहां पर उस आसन को कमी है उसको सुधारें और कैसे उस आसन को हमेशा हमेशा के लिए बढ़िया बन जाए हमारा। तो आपने दो आसन का अभ्यास किया अभी, त्रिकोण आसन और कमर चक्र आसन। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर वज्रासन में विश्राम लीजिए आंख बंद करके। यहीं से पेट के बल आ जाएं, शिथिल आसन दाईं ओर। एक बार बाईं ओर का शिथिलासन कर लें, पेट का आसन नहीं करवा रहे, एक पेट का भी पहले सोचा हुआ था हमने, अगली बार करवाएंगे। तो समय को देखते हुए एक आसन का और अभ्यास करेंगे हम, पीठ के बल अच्छे से अभ्यास करेंगे उसका, ताकि आसन चाहे कम हो लेकिन हमारी उस आसन के ऊपर दक्षता आ जाए, अच्छे से प्रभाव आ जाए।
शिथिलासन लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, दोनों साइड का करने से बीपी में बहुत सहायता मिलती है जी, बीपी हमारा जो है सामान्य रहता है। चलिए जी पीठ के बल आ जाएं, राइट साइड की करवट लेकर। अब यहाँ पर हम जो आसन का अभ्यास करेंगे वो करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन 13 तरह का आसन होते हैं जी, 13 तरह की स्थितियाँ होती है। हमने एक बार पूरी क्लास हमने केवल मरकट आसन की थी, आप पीछे की हमारी वीडियोज को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आसन हमारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे तो हमारे को दूसरी क्लास करनी पड़ी थी। तो 2 क्लास हमने पूरी की एक एक घंटे की, तब जाके हमारे वो सारे आसन कंप्लीट हुए थे। इसी प्रकार फ्राइडे को ही हमने की थी, करीब 2 महीने पुरानी बात होगी, 2-2.5 महीने पुरानी बात है। तो आज हम एक ही आसन को लेंगे, एक ही क्रिया को लेंगे, बहुत शानदार उसका प्रभाव आएगा, मुझे पूरा विश्वास है आप इसको ध्यान से करेंगे। चलिए जी मरकट आसन में सबसे पहले तो जो है जो भी हम क्रियाएं करते हैं भुजाओं की स्थिति 180 डिग्री पर आ जाती है। ज़्यादातर जितने भी क्रियाएं हैं सब में 180 डिग्री पर हमारी भुजाओं की स्थिति आती है। हथेली का रुख आकाश की ओर होता है, उंगली अंगूठे मिले होते हैं। वैसे हमने बताते हैं कि आँख बंद करके करना है, लेकिन नए साधक अब क्या होता है इसमें गलती क्या करते हैं, हाथ जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि 180 पे है या नहीं है। तो अपनी गर्दन को राइट में लेफ्ट में मोड़ करके आपको देखना चाहिए कि आपके हाथ जो है वो बिल्कुल सीध में है या नहीं है। सीध में नहीं है तो उसको सीधा करना चाहिए, ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। और बीच में करते भी रहना है कि क्रिया के दौरान कहीं मेरी स्थिति बिगड़ तो नहीं गई। पूरे आसन के दौरान आपकी भुजाएं पूरी तरह खिंची रहेंगी, जैसे आप कोई रस्सा कस्सी कर रहे हो। जैसे अभी हमने त्रिकोण आसन किया भाग 2, उसमें भुजाओं को ऐसे खींचा था, बिल्कुल वैसे ही ऐसे आपने भुजाओं को खींच के रखना है। कोशिश करनी है कि अंगूठे का पीछे का भाग भी आसन को छुए, कोशिश करनी है आपने। अब एड़ी पंजे मिला लें जी, वेरी गुड। पूरी क्रिया में जैसे एड़ी पंजे भी कोशिश करेंगे कि हमारे मिले रहेंगे। अब ये जो हम क्रिया करने जा रहे हैं, पंजे को तानिए जी। अब आपने राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, उठाइए जी धीरे धीरे राइट पांव को बिना घुटना मोड़े, वेरी गुड। अब ये देखिए 90 डिग्री पर आ गया, कुछ हो सकता है साधकों का 90 पे ना आए, बिल्कुल कोई भी इसमें गलत नहीं है, कोई 75 पे आए 60 पे आए, लेकिन आपने प्रयास ये करना है कि ये पंजा तनाव रहे, जैसे ये पंजा तनाव हुआ ऐसे रहे और घुटना सीधा रहे। एक बार वापस लेकर आएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से। जब पृथ्वी पर रखेंगे तो पटकेंगे नहीं, आराम से रखेंगे। एक बार फिर से उठाएंगे इसी पंजे को, राइट पांव के पंजे को, पंजे को तानकर फिर से लेके जाएंगे 90 डिग्री पर। तो ऐसे आपने स्टेमिना बनाना है अपना। भुजाएं खिंची हुई हैं जी, अब भुजाओं को ढीला नहीं छोड़ना आपने, धीरे धीरे वापस आएंगे। आसन पर छूने से पहले जरूर रुकना है आपने, चाहे 1 सेकंड के लिए रुकें आप, 2 सेकंड के लिए रुकें, लेकिन रुकना है। जब वापस आ जाएं तो हाथ को भी वहीं पर ढीला छोड़ सकते हैं, थोड़ा विश्राम ले सकते हैं, फिर से स्थिति लें। स्थिति बोलते ही भुजाएं खिंच जाएं, पंजे तन जाएं, घुटने मिल जाएं, फिर से राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, राइट को ही लेकर जाएं। अब यहाँ पर एक गलती ये करते हैं कि राइट पांव तो हमारा सीधा जा रहा है, ठीक जा रहा है, लेकिन लेफ्ट पांव को हम ढीला छोड़ देते हैं। अभी देखिए प्रियल ने पंजा तान रखा है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ साधकों ने लेफ्ट पांव जो नीचे है उसको ढीला छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे वापस लेकर आए, फिर से रिलैक्स, हल्का सा विश्राम। अभी हम इसकी सहायक क्रिया कर रहे हैं, अभी आसन पूरा करेंगे बाद में। अब इसी प्रकार आपने लेफ्ट पांव को करना है जी, लेफ्ट पांव के पंजे को तानते हुए ले जाएं ऊपर आकाश की ओर। अब जो राइट पांव है उसकी थाई के नीचे गैप आ जाता है, थोड़ा सा गैप तो बनता है, खूब कोशिश करते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है कि उस गैप को बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि उस गैप को कम करने की। धीरे धीरे आएंगे वापस, रुकना है जी आपने जब आपकी एड़ी आसन को छूने लगे, और फिर धीरे से रखना है, बिल्कुल हल्का विश्राम।
जब विश्राम लें तो हाथ को भी विश्राम देना है, ऐसा नहीं कि आपने हाथ को विश्राम नहीं देना। फिर से स्थिति बनाएं, पंजों को ताने और फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव को ले चलें आकाश की ओर। अब यहां पर देखिए क्या होता है, पांव जो है हमारा 60 पर 75 पर पहुंचता है और हम सोचते हैं कि हमारा 90 पे पहुंच गया, लेकिन वो जब आप वीडियो बनाएंगे, जब आप उसकी फ़ोटो लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि अभी गुंजाइश है, 90 डिग्री पर अभी नहीं पहुंचा है। तो आपने रुकना नहीं है वहाँ पर, कोशिश करनी कि 90 तक भी हमने लेके जाना है इसको, धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। रिलैक्स, एक बार फिर से मन बनाएंगे, पंजों को तानेंगे, फिर से लेफ्ट पाम को लेकर जाएं ऊपर। इसका कराने का फ़ायदा तभी है जी जब आप हर बार कम से कम 1-2 डिग्री ऊपर लेके जाएं अपने पंजे को। जब आप 105 डिग्री की कोशिश करेंगे तब जाके 90 डिग्री पर आपका पांव पहुंचेगा जी। अगर आप सोचेंगे कि 90 पे पहुंच गया तो वो पक्का आप देख लीजिए 75 पे ही मिलेगा आपको, 80 पे मिलेगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से, आराम आराम से हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। फिर से एक बार अब मन बनाएंगे, अब आसन करेंगे हम इसका, समय का भी ध्यान रखना होता है, चीज़ें बहुत हैं। फिर से एक बार भुजाओं को खींचिए, 5 उंगली मिली हुई। अब इसमें गलती बार बार ये होती है कि उंगलियां खुल जाती हैं, अभी देखिए उंगलियां मिली हुई हैं पीरियल की, लेकिन मेरे को पता है ज़्यादातर साधक वो भूल जाते हैं, अंगूठे को खोल देते हैं, कभी हाथ की उंगलियों को खोल देते हैं, ढीलापन छोड़ देते हैं उसमें, ढीलापन कर देते हैं। फिर से पांव के पंजे ताने, मुस्कुराने, देखिए चेहरे पर अगर तनाव है तो आसन का कोई फायदा नहीं करने का, खुश होके करना है जी, आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। श्वास भरते हुए राइट पांव को फिर से ले चलें राइट को 90 डिग्री पर, जितना ये 90 डिग्री पर आएगा, वेरी गुड बेटा, देखिए ये 90 डिग्री पर आ गया जी, बिल्कुल जितना ये पांव सीधा आएगा 90 पर रहेगा, आगे की स्थिति उतनी बढ़िया बनेगी। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर और गर्दन को ले चलें राइट साइड में। ये देखिए पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे जी, घुटने दोनों पांव के सीधे रहेंगे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया स्थिति है, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। देखिए आप देख करके आपको लगेगा जी कहाँ पर हम सुधार कर सकते हैं, हमारे आसन के दौरान क्या कमी रहती है। नो डाउट हमारे जो बच्चे यहाँ पर आते हैं काफ़ी अच्छा उनका अभ्यास है, छोटी एज से उन्होंने अभ्यास शुरू किया, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो उनके आसन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, लेकिन आप भी करेंगे, विश्वास मानिए आपके आसन भी बहुत बढ़िया होंगे। सामान्य श्वास में रुके रहें जी। अब यहाँ पर देखिए कर्व जो बनता है ना जी, पेट का, पीठ का, कमर का, उस कर्व से आपको लाभ होना है, मरकट आसन नाम है जी इसका, बहुत बढ़िया बेटा। भुजाओं को खींच के रखना है जी, देखिए बिल्कुल 180 डिग्री पर भुजाएं खींची हुई हैं, जैसे दो आदमी रस्सा कस्सी कर रहे हो, नीचे पांव के पंजे तने हुए हैं जी, उसको भी ढीला नहीं छोड़ना आपने, और इसमें रुकने का मन बनाना है आपने, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट तक कोशिश करें कि हम इसमें रुक पाएं। बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, कई बार हम क्या करते हैं गर्दन को झटका दे देते हैं कि हमने कान लगाना ही लगाना है, लेकिन भूल कर भी ऐसी गलती कभी मत करना, गर्दन बहुत ही हमारी सेंसिटिव नाजुक अंग होता है, उसमें आपने कभी भी कोशिश नहीं करनी जी, जहां आपको कंफर्ट लगे बस वहीं रुक जाना है। रुकिए रुकिए, आँख बंद करके रुकिए और मुस्कुराते हुए स्थिति को ठीक बनाकर रुकिए, बहुत बढ़िया। रुकने में आपको थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होगी,
लेकिन विश्वास जानिए, जब आप 2 मिनट 2.5 मिनट रुकेंगे एक क्रिया में और जब वापस आएंगे विश्राम लेंगे तो विशेष आनंद आएगा आपको। आज आपको हम लंबा शवासन करवाएंगे, वही ध्यान होगा, वही प्राणायाम होगा, वही योग निद्रा होगी। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया जी, सभी बड़ा अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस, साथ साथ गर्दन भी घूमेगी, मध्य में आ जाएगी। अब यहाँ पर जल्दी नहीं करनी जी वापस आने की, एक बार रोकना है पाँव को, यहाँ पर पंजे को तान कर फिर से कंट्रोल लेना है पाँव का, और फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए समय लगाते हुए वापस आना है। समय लगाना है आपने, क्योंकि थकावट हो जाती है, मन करता है बहुत जल्दी आने का, लेकिन आपने उस टाइम थोड़ा सा और सहजता दिखानी है। धीरे से वापस आ जाएं, रिलैक्स। अब अपने हाथ को पाँव को ढीला छोड़ें। विश्राम आप लगता है जब वापस आ जाएं थोड़ा ज़्यादा विश्राम ले लें, लेकिन आसन के दौरान आपने बिल्कुल सही करना है, 100% देना है। बीच में आपको लगे नहीं रुका जा रहा तो आप पहले वापस आ जाएं, लेकिन सही स्थिति में वापस आएं। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप रुक गए और फिर बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि एकदम से पाँव को पटकना पड़ा, ऐसा नहीं करना जी। चलिए जी, फिर से मन मनाएंगे, मुस्कुराएंगे, मौसम का आनंद लेते हुए भुजाओं को खींचें, पंजों को ताने, बाईं भुजा लेफ्ट भुजा टांग को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। अब ये जो पहले आपने अभ्यास किए थे 2 बार 3 बार, उससे देखिए आपको असर आया, 90 डिग्री पर आपकी टांग पहुंच पाई। राइट पांव की थाई को दबाइए जी, जैसे कोई नीचे आपके दबा रहा है, राइट पांव जो नीचे है उसके घुटने को दबाइए। वेरी गुड, एक बार गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल में राइट साइड में ले जाएं, साथ साथ गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में घूमेगी। जैसा मैंने बताया, कई बार क्या होता है, एक पांव की स्थिति बहुत बढ़िया बनती है, दूसरे में थोड़ी सी 19 रह जाती है, हल्का सा लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, ये सबके साथ है। तो इसमें ऐसा नहीं कि वो अच्छा है या ये नहीं हो रहा, मेरे में कहीं कमी है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे, थोड़ा और उधर ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो भी आपकी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। अब कई लोग इसमें और ज़्यादा जैसे अभ्यास हो जाता है, तो अभी तो हमने पाँव को हाथ को पकड़ा नहीं हुआ, कुछ साधक साधिकाएं तो अपने पाँव के अंगूठे को पकड़ भी लेते हैं अपने राइट हैंड से, लेकिन आपने अभी जल्दी नहीं करनी। जब धीरे धीरे आपको लगे कि अभ्यास बहुत अच्छा हो गया तो आप कभी प्रयास भी कर सकते हैं कि अपने हाथ से अपने पाँव के अंगूठे को पकड़कर और ऐसा खिंचाव बनाने का। उसके लिए आपके पाँव को अभी तो आपने सीधा करके लेके गए हैं, और थोड़ा पाँव आपका फिर 105-120 डिग्री पर होगा, तब जा कर के मोड़ेंगे, तब उसका अभ्यास सही से होगा। रुकिए जी रुकिए, पंजे दोनों पाँव के तने हुए हैं जी, पंजे तान के रखने हैं जी बाहर की ओर, सामान्य श्वास में रुकना है जी, मुस्कुराते हुए रुकना है। बहुत बढ़िया प्रियल बेटा, देखो इतना प्रियल, लगभग हर एफिशिएंसी क्लास में प्रियल का ही साथ होता है, और इतनी बढ़िया आपके सामने साधना का प्रदर्शन होता है। अभी पीछे बच्चों की क्लास हमारी हुई, अब भी उसमें चल रही है, जूम के ऊपर उसका चल रही है, 23 तारीख को जो हुई थी उसका यूट्यूब पे भी हुआ था, प्रियल का उसमें विशेष योगदान रहा था जी। प्रियल की मदर महिलाओं की क्लास चलाती हैं, बहुत सालों से भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हैं। प्रियल के फादर भी भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं। रुकिए 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 जी, ठहरिए, ठहरने से ही फायदा होना है,
बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। एफिशिएंसी क्लास का मतलब ही हमने अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, सही तरीके से आसन की पूर्ण स्थिति में रुकना है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी घबराहट के। महसूस कीजिए कमर के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है, कमर की जो गोटियां आपकी विशेष प्रभावित हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल सिमिट्री में आएंगे जी। गर्दन और पांव की स्थिति साथ साथ एक सिमिट्री में, मध्य में आए। पंजे को तानेंगे एक बार जी आकाश की ओर, कंट्रोल लेंगे पांव का, भुजाओं को खींचेंगे जी, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पांव को नीचे लेके आएंगे। पृथ्वी पर लगने से पहले रुकना है जी पक्का। धीरे से वापस आ जाएं, हाथों को आगे ले लें, पांव में सुविधाजनक दूरी। सब आसन दोनों पांव में अब आधा फुट पौना फीट, जैसे आपको कंफर्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे, उतनी पांव के अंदर दूरी बना दीजिए। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा हटाकर रखिए, शरीर से टच नहीं होंगे हाथ। अब उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। तो जब ढीला छोड़ते हैं, अपने आप बिना प्रयास के हल्की सी उंगलियां मुड़ जाती हैं। माथा आकाश की ओर है, होठों पर मंद मंद मुस्कान लेकर आए, पूरे शरीर में ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श महसूस करें, पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनने का प्रयास करें। ऐसा महसूस करें धरती माँ की गोद में बिल्कुल निश्चिंत होकर, बड़े आनंद के साथ विश्राम कर रहे हैं। कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। शरीर का एक एक अंग मेरा खुशी से झूम रहा है। बहुत बढ़िया हमने आसन किए, बहुत ही अच्छा प्रभाव आया। आइए सभी अंगों का हालचाल पूछते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं। ध्यान को लेकर जाएं अपने राइट पांव के अंगूठे पर, मेरे शब्दों के साथ चलेंगे, बंद आंखों में चलेंगे, सोना नहीं आपने। पहली उंगली को देखें, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली, ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स करते जाएं। तलवे पर ध्यान, एड़ी को निहारें, पंजे का ऊपरी भाग, सुंदर टकने को देखिए। कहीं भी तनाव लगे, कहीं पर ऐंठन लगे, उस अंग को बिल्कुल ऐसा करें कि वो बिल्कुल शिथिल है जी, ढीला है। और जैसे आप महसूस करेंगे, उसमें आप और ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। अपनी पिंडलियों को देखें, कितना अच्छा उनमें असर आया जब मैंने त्रिकोण आसन का अभ्यास किया।
जब मैंने कमर चक्र आसन का अभ्यास किया, उनमें खिंचाव आने से अब वो रिलैक्स महसूस कर रही हैं। अपने नी को देखें, घुटने को देखें, घुटने पर भी बड़ा अच्छा असर आया मेरा, जो भी मैंने आज आसन किए उनसे। सुंदर थाई को निहारें, थाई की मांसपेशियां मेरी बहुत ही अच्छे से खिंचाव में आई, थाई की अतिरिक्त चर्बी भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। दाएं पांव का जोड़ निहारें, राइट पांव बिल्कुल रिलैक्स। इसी प्रकार ध्यान को लेकर जाएं लेफ्ट पांव पर, लेफ्ट पांव के अंगूठे को देखें, सुंदर एक एक उंगलियों को निहारें, शिथिल छोड़ें। अपने तलवे को देखें, एड़ी को देखें, कोई हिलडुल ना हो, हमने सोना नहीं है, हम अपने मन की आँखों से अपने शरीर की मानसिक यात्रा कर रहे हैं। सुंदर टखने को निहारिए, अपनी पिंडलियों को देखिए, सुंदर घुटने को देखें और महसूस करें कि वो बिल्कुल सही है, अब तो उसमें कोई दोष रहे ही नहीं। योग से जुड़कर तो सब कुछ बढ़िया होता जा रहा है। सुंदर थाई को निहारिए और पांव के जोड़ को देखिए, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल, जैसे शरीर का हिस्सा ही ना हो। ध्यान को लेकर जाएं, मुस्कुराएं, पूरे प्रसन्न मन के साथ राइट हैंड के अंगूठे को देखें, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, सबसे छोटी उंगली, उंगलियों के जोड़। सुंदर हथेली को देखें, हथेली का पृष्ठ भाग, सुंदर कलाई, कितना बढ़िया कलाई ने मेरा सहयोग किया हर एक क्रिया को करने में। सुंदर कोहनी को निहारें, हाथ का जोड़, कंधे को भी बिल्कुल शिथिल कर दें, आनंद ही आनंद, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बाएं हाथ पर ध्यान को लेकर जाएं, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, छोटी उंगली, हथेली, सुंदर हस्त रेखाएं, हथेली का पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, कंधे का जोड़, दोनों हाथ, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल हो गए, जैसे मेरे शरीर का हिस्सा ही नहीं है। ध्यान को लेकर जाएं नाभि मंडल पर, अपनी नाभि को देखें, कहीं पर आपको तनाव लगे उसको हिलाकर हल्का सा और शिथिल छोड़ दें। नाभि के राइट साइड में लीवर तो आज बहुत खुश है, बहुत मस्ती से वो आज झूम रहा है, और उसके बगल में लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज भी बहुत खुशी से नाच रही है, क्योंकि आपने इतने सुंदर आसन किए, उन सभी आसनों में आपने लीवर को, पैनक्रियाज को प्रभावित किया, त्रिकोण आसन किया उसमें प्रभाव आया, जब आपने कमर चक्र आसन किया तो उससे प्रभाव में आया, और लास्ट में मरकट आसन किया उससे भी बहुत बढ़िया प्रभाव आया। शामिल हो जाइए आप भी इनकी खुशी में। अपने फेफड़ों को देखिए, मेरे फेफड़े सक्षम हुए, अब उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन भरने की क्षमता आ गई है। ध्यान को लेकर जाएं, धड़कते हुए दिल पर, हार्ट बीट्स पर बिल्कुल सामान्य गति से धड़क रही हैं,
एक मिनट में 72 टाइम्स, ना कम ना ज़्यादा, पूरी तरह मेरा हृदय स्वस्थ है। सुंदर प्रतिदिन मैं प्राणायाम करता हूँ, करती हूँ, ध्यान करता हूँ, करती हूँ, जीवन ही बदलता जा रहा है। कोई भी मेरे को हृदय का रोग नहीं, ना कभी होगा। ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर, सुंदर गर्दन को निहारें। गर्दन ने भी कितनी सुंदर हमारी साथ दिया। त्रिकोण आसन किया, भाग टू, गर्दन को हमने घुमाया बहुत सहजता से, बिल्कुल सही ढंग से। हमारी गर्दन में पूरा लचीलापन है। चाहे वो हमने मरकट आसन किया, तब भी गर्दन का बहुत बढ़िया सहयोग मिला। ध्यान को लेकर जाएं सुंदर ठुड्डी पर, मुस्कुराते हुए होंठ, ये मुस्कान पूरा दिन बनी रहेगी। जो योग से जुड़ गया, उससे मिलने पर सबसे पहली जो चीज़ नज़र आती है वो मुस्कान नज़र आती है। आते जाते श्वासों को देखें, हर श्वास में प्रभु का ध्यान करें। ये प्रभु का दिया हुआ उपहार है, ये श्वास ही तो ईश्वर है, ये श्वास ही तो प्रभु और मेरा आपस में कनेक्शन है। हर श्वास में प्राण शक्ति महसूस करें, ऊर्जा महसूस करें, सकारात्मकता महसूस करें, पॉजिटिविटी महसूस करें जब श्वास भरते हैं। ध्यान को सुंदर गालों की ओर लेकर जाएं, कानों से पक्षियों की मधुर आवाज, प्रकृति का साथ कुछ पल सुने। पक्षियों की चहचहाहट इतना सुकून देती हुई कि तनाव तो रह ही नहीं सकता, आनंद ही आनंद। सुंदर आँखों पर ध्यान को लेकर जाएं और बंद आँखों में देखें उस आध्यात्मिक दुनिया को, उस ईश्वर की दुनिया को, कितनी सुंदर, कितना आनंद, कितना सुख। ध्यान को लेकर जाएं अज्ञा चक्कर पर, अज्ञा चक्कर पर देखें, दीप देखने का प्रयास करें। यहाँ पर एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हो, ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी ज़्यादा चमकता हुआ, चकाचौंध करता हुआ, जिस प्रकाश के अंदर असीम ऊर्जा भरी हुई, और उस प्रकाश को देखें कि मेरे पूरे शरीर में वो फैल रहा है, पूरे शरीर को ऊर्जा दे रहा है। मस्तिष्क की ओर ध्यान को लेकर जाएं और उसे भी बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। पूरा शरीर मेरा बिल्कुल शिथिल है, जैसे ऐसा सोचें कि शरीर मेरा अलग और मैं अलग, मैं खड़े होकर के मैं इस शरीर को, शिथिल हुए शरीर को देख रहा हूँ, देख रही हूँ, और अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ दें, उस शक्ति के साथ, उस ईश्वर के साथ। मैं उस ईश्वर का ही तो अंश हूँ। खो जाएं बस प्रभु के साथ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद।
प्रभु सदैव आपकी गोद मिले हमें, सदैव आपका सानिध्य मिले, सदैव ये आनंद मिले, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। ये सुबह का जो समय, ये मेरे से कभी भी कोई ना छीने। जैसी भी परिस्थितियां हों, उन सारी परिस्थितियों को एक तरफ करते हुए मैं योग साधना में अवश्य जुड़ूं प्रभु, 365 दिन जुड़ूं। ऐसी आप कृपा कीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी आप सद्बुद्धि दीजिए। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना, बार बार प्रभु से एक ही विनती। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चेतन अवस्था में आएं, अपने पाँव में, पंजों में, हाथों में हलचल महसूस करें, हल्की हल्की एड़ी पंजे मिलाएं, बिना आँख खोले अपने राइट साइड में करवट लें, तनिक रुकें और बंद आँखों में बैठ जाएं। पद्मासन लगाकर ओम ध्वनि और शांति पाठ करेंगे। अभी आंखें नहीं खोलनी आपने, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी आपने आज साधना की, बहुत ही अच्छे आपने आसन किए, 3 आसन किए, लेकिन इतने शानदार ढंग से किए कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी बड़ा संतुष्टि सेटिस्फैक्शन लगा होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास लीजिए। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए यूं ही शांत भाव से बैठे रहें, ईश्वर का ध्यान करें, पूरे शरीर में शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, पूरा शरीर प्रफुल्लित। जो लोग समय है और थोड़ी देर प्रभु का ध्यान करें, प्राणायाम करें, बाकी साधक बिना आँख खोले दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर ध्यान करते हुए बहुत कोमलता के साथ धीरे से आंखें खोलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रियल बिटिया का बहुत ही धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद। ईश्वर इसको और आगे इसको देख करके लोग प्रेरित हों, हजारों लाखों लोग इससे जुड़ें और योग से जुड़ें, लाभान्वित हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही बढ़िया आप लोगों का साथ है। इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समय से जुड़िए। रविवार को हमारी ध्यान के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर विशेष क्लास होती है, फ्राइडे को एफिशिएंसी क्लास होती है, बाकी और दिन भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी।
बस समय से जुड़िए, स्नान करके जुड़िए, पूरे परिवार के साथ जुड़िए, ऐसी कामना करते हुए हमारे अधिकारियों को सबको धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति।